उन्होंने ही प्रेम को समझाया था, जिसकी वजह से प्रेम ने आरती को अपनाया है। हाँ बहू, कुछ और न सही, लेकिन मन को सुकून है कि अब सब कुछ ठीक है। वैसे प्रेम कहाँ है बहू? प्रेम बाबू की नई नई शादी हुई है, दुल्हन घर में आई है। एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे को वक्त तो देना ही पड़ेगा। मैं भी सुनकर आ रही हूँ बाबूजी, और वहाँ बहू भी यही कह रही है कि घर के लोग क्या कहेंगे। आरती को तो इस बात की फिक्र करनी ही चाहिए। दोनों को वक्त तो देना ही पड़ेगा बाबूजी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना दोनों को हनीमून पर भेज दिया जाए। हाँ बहू, ये तो अच्छी बात है, यही तो उम्र है दोनों की घूमने फिरने की। हाँ बाबूजी, ये खुशियाँ उन्हें मिली है तो ये खुशियाँ उन्हें मनाने भी देना चाहिए। वैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आप ठीक कहती दीदी, नई नई शादी हुई है, आपने जो भी सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। वो तो ये बात नहीं कहेंगे, पहल तो हम लोग को ही करनी पड़ेगी। सिर्फ पहल ही नहीं, उन्हें भेजने का सारा इंतजाम हमें ही करना होगा। मैं उनसे कह दूंगी, वो सारा इंतजाम कर देंगे। आप आरती से एक बार पूछ लीजिए कि उसकी पसंदीदा जगह कौन सी है और वो प्रेम के साथ कहाँ जाना चाहती है। ठीक है माधुरी माँ, मैं बहू से पूछ लूंगी। दीदी मैं देखती हूँ। इस वक्त कौन आया है बहू? गांव तो आखिर गांव है, यहाँ का माहौल नहीं बदलने वाला। ठीक कह रहे हैं आप मंगल भैया, जिसके अंदर ताकत होती है ना वो अपनी ही मनमानी करता है। हाँ आरती और बलदेव चाचा को ही ले लीजिए, पंचायत उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। यही वजह है कि आजकल सरपंच जी कहीं नजर नहीं आते, ना जाने शर्म से कहाँ मुंह छुपा के बैठे। छुपने की जरूरत तुम जैसे लोगों को, मुझे और मेरे भैया को किसी से छुपने की कोई जरूरत नहीं, समझे? कल तक तो बात और थी पवन, हम अभी अभी यही सोच रहे थे कि अब इस गांव में पंचायत का कोई मतलब ना रहा, ना पंच ना सरपंच का, तो अब तुम भी इस बात की थोस मत देना। दरअसल तुम्हारे जैसे लोग दूसरी ही भाषा समझते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों को समझाने के लिए ही नियम और कानून बनाए गए। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मंगल, क्या बात है? ये मुझे थॉस दे रहा है, सरपंच जी का भाई जो ठहरा। लेकिन अब सरपंच गिरी भी जाने लगी है। अपने बेटे को समझाइए सोमनाथ बाबू, अपनी औकात में रहे। किस औकात की बात कर रहे हो? पूरा गांव तुम्हारी और सरपंच जी की औकात देख चुका है। अरे नहीं नहीं मंगल, ऐसा नहीं कहते, मैं अभी सरपंच जी से मिलकर ही आ रहा हूँ,
इस गांव में देर है लेकिन अंधेर नहीं। सरपंच जी अपनी मर्जी से चाहे कोई कदम उठाए या ना उठाए, लेकिन गांव वालों की तो सुननी ही पड़ेगी उन्हें। आरती की शादी का मुद्दा बनाकर आप लोग पहले ही पूरे गांव में अपनी इज्जत गंवा चुके हैं। अब आप लोगों के मंसूबे किसी से छुपे नहीं। आरती की शादी की आड़ में आप अपनी दुश्मनी निकालना चाहते हैं। और अब ये तीन चार तुच्छे मुच्छे लोगों के अलावा आप लोगों के साथ कोई नहीं आएगा। अब आप कुछ नहीं कर सकते, जो करना है कर लीजिए। अब आप लोग किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हां, एक बात याद रखिए, आप जेल से वापस आए कहीं ऐसा ना हो कल आपके बेटे का ठिकाना जेल की चार दीवारी में बितानी पड़े। समझाइए इसे। तुम घर जाओ मंगल, मैं आता हूं। और अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। तुम घर जाओ। जी बाबूजी। इस तरह चुप रहने से क्या होगा मां? लेकिन बेटा, लोगों को यह भी नहीं लगना चाहिए कि हम जानबूझकर बलदेव सिंह से दुश्मनी निभाना चाहते हैं। मगर मां, बात खत्म हो चुकी है, अब रह क्या गया है? सरपंच जी कहा करते थे कि बलदेव चाचा को गांव निकाला दे दिया जाएगा, मगर क्या हुआ? और बाबूजी का बदला भी तो नहीं पूरा हुआ मां। मेरा बदला पूरा होगा बेटा, जब तक मैं देवेंद्र शाह और बलदेव का चैन सुकून हराम नहीं कर देता तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन अब आप क्या करेंगे बाबूजी? करने का तो वक्त अभी आया है, देवेंद्र शाह की अदालत में पेशी होने वाली है। और मुख्य गवाह मैं हूं, मैंने अपना बयान दे दिया है। लेकिन अदालत में गवाही अभी बाकी है, और पुलिस ने देवेंद्र के खिलाफ दूसरा गवाह किसे बनाया है मालूम है? किसे बनाया? वही जो अपने आप को सबसे बड़े राष्ट्रभक्त समझते हैं, देशभक्त बलदेव सिंह, जिन्होंने कभी मुझे हथकड़ियां पहनाई थी। पुलिस ने दूसरा गवाह उन्हें ही बनाया है और उन्हें बुलावा भी आया है। लेकिन ये भला देवेंद्र के खिलाफ गवाही कैसे दे सकता है? आखिर उसके घर से रिश्ता जो टूट चुका है।
बाबूजी, और वो भी बहुत करीबी रिश्ता। भला बलदेव चाचा अपने दामाद के पिताजी के खिलाफ गवाही कैसे दे सकते हैं? बेटा, यही तो देखना है कि देशभक्ति उबाल मारती है या फिर वो रिश्ता जो आरती का उस खानदान से जुड़ा है। अगर बलदेव सिंह देशभक्ति निभाते हैं तो आरती को फिर इसी गांव में रहना पड़ेगा। बेचारी अपनी तकदीर पे आंसू बहाते रहेगी। मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं? बहू जी, बाबूजी, आरती कहाँ है? अब मैं क्या बताऊं बाबूजी, आते ही घर की जिम्मेदारियां संभालना चाहती है, किचन संभालना चाहती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है बहू, वो इस घर की बहू है और वो अपनी जिम्मेदारियां समझती है। ये तो हम सबों के लिए बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात है बाबूजी, लेकिन उसके लिए बहुत वक्त है। शादी के बाद तो बस हंसने खेलने के दिन होते हैं, उसके बाद तो घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से वक्त ही कहाँ मिलता है। तुम क्या सोचती हो, तुम क्या चाहती हो बहू? बाबूजी, मैं प्रेम बेटा। जी माँ। इधर आओ। जी बताइए। तुमने और बहू ने क्या सोचा है? किस बारे में माँ? अरे हनीमून पर जाने के बारे में। हम सब चाहते हैं कि तुम बहू को लेकर जाओ, घूम फिर कर आराम से वापस आओ। बेटा, यही तो यादें रह जाती हैं। ठीक है माँ, मैं इस बारे में आरती से बात करता हूँ। कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, अगर उसे पूछना है तो सिर्फ इतना पूछना कि वो हनीमून पर कहाँ जाना चाहती है। ठीक है माँ। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान दिख रहे हो। हाँ बाबूजी, आप लोगों को धनंजय के बारे में खबर मिली कि नहीं? धनंजय अंकल के बारे में कैसी खबर? टेंशन की बात यह है कि धनंजय कोमा से बाहर आ चुका है। क्या? उसे होश आ गया है। हाँ भाभी, उसे होश आ गया है। हाँ भाभी,
चलिए अच्छा हुआ जो धनंजय अंकल जिंदा बच गए। अब कम से कम पापा के ऊपर खून का इल्जाम तो नहीं होगा। प्रेम तुम बात को समझ नहीं रहे हो। धनंजय कोमा से बाहर आ चुका है, कानून सोच समझकर फैसला लेगी, लेकिन वो अब हमारे लिए ज्यादा खतरनाक हो चुका है। वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुम ठीक कह रहे हो ऋषि, वो इस बात को नहीं भूल सकता कि देवेंद्र ने उसे गोली मारी है। हाँ बाबूजी, और दूसरी बात यह है बाबूजी कि यह खबर भी उसके दिल में आग लगा देगी कि प्रेम ने आरती को दुल्हन बनाकर इस घर में ले आया है। इस घर की बहू कहलाने का हक सिर्फ आरती के पास था। और इसीलिए वो इस घर की बहू है। ये तो आप समझती है ना भाभी, लेकिन धनंजय ने तो यही मान रखा था कि शिवानी ही इस घर की बहू बनेगी। अब तो इस घर से उसका एक ही रिश्ता है, दुश्मनी का, और इस दुश्मनी को निभाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन चाचा, धनंजय पर भी तो कानून के चार्जेस हैं। अगर वो होश में आ भी गए तो गिरफ्तारी तो उनकी भी तय है। हाँ प्रेम, अच्छा हो जाएगा कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन वो खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए भरपूर कोशिश करेगा। शातिर है वो। भगवान बुद्ध ने कहा, शरीर